नमस्कार, मैं हूं मिलिन खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हम पहली बार साप्ताहिक सभा कर रहे हैं और इस हफ्ते की दो बड़ी खबरें रही। एक, भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, लेकिन अपने सहयोगियों के बूते पर NDA की सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे भी बड़ी खबर ये रही कि कांग्रेस पार्टी, जो पिछले दो चुनाव से 44 और 52 सीटों तक रुक गई थी, वो इस बार 99 सीटों पर पहुंच गई है। कांग्रेस का ये चमत्कार हुआ है एक तरह से, क्योंकि कांग्रेस को लेकर सारी अटकलें, सारे आकलन यही थे कि कांग्रेस 60-70 सीटों तक जाकर रुक जाएगी, लेकिन एक्चुअल में वो पहुंच गई 99 सीटों तक। तो कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो चुनाव हार कर भी खुश है, सरकार नहीं बनने से भी खुश है, मतलब जिसकी सरकार बनी वो भी खुश है और जिसकी नहीं बन रही है वो भी खुश है। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन इस चुनाव को और बेहतर ढंग से लड़ता तो क्या वो NDA को बहुमत से रोक सकता था? क्या वो केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता था? इसके कारण ये है कि NDA के जो दो बड़े सहयोगी हैं, जिनके पास 28 सीटें हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये कांग्रेस के साथी रह चुके हैं। 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था, वो चुनाव कांग्रेस हार गई थी, लेकिन कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू 2019 में साथ थे। लेकिन 2024 आते आते चंद्रबाबू नायडू BJP के साथ चले गए और यही BJP के लिए एक तरह से ये अलायंस गेम चेंजर रहा। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी जो है वो अभी जनवरी तक इंडिया के साथ थे, बल्कि उसकी नींव भी पटना में उन्होंने ही डाली थी, लेकिन नीतीश कुमार ने भी पलटी मारी और वो चले गए NDA के पक्ष में। तो अगर ये नीतीश कुमार और नायडू, ये दोनों अगर नहीं जाते उस तरफ, तो हो सकता है, अब ये किंतु परंतु की बात है, कि हो सकता है कि NDA बहुमत से रुक जाता। लेकिन मैंने जैसे कहा, ये किंतु परंतु की है। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राशिद कदवई। राशिद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को नहीं छोड़कर जाते तो क्या होता, या अगर चंद्रबाबू नायडू 2019 में कांग्रेस के साथ थे, वो बने रहते तो क्या होता? ये अगर मगर का कोई सवाल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि NDA जो है वो 290 के पार चला गया है। लेकिन अगर नीतीश कुमार, जिन्होंने इस इंडिया गठबंधन की नींव डाली थी, उनको कांग्रेस रोक लेती तो शायद जो है आज ये हमें दूसरी तस्वीर देखने मिलती। लेकिन जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन को भी कहीं उम्मीद नहीं थी 6 महीने पहले कि BJP खुद ही 272 से नीचे आ जाएगी, और शायद BJP को तो खैर कहीं ना कहीं था ही नहीं बात। तो ये भी एक कारण रहा कि कोई गठबंधन जो है उन्होंने मतलब प्रयास नहीं किया नीतीश कुमार को रोकने के लिए या चंद्रबाबू नायडू को लाने के लिए। देखिए, सबसे बड़ा जो इंडिया गठबंधन की मैं कहूंगा त्रासदी रही कि वो टुकड़ों में काम कर रही थी, और कांग्रेस पार्टी भी, कि एक मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष थे क्या वो भी है, मतलब उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से और पूरा दृढ़ता से बात कर रहे थे, सबसे मिलजुल रहे थे इंडिया गठबंधन को में, वो लोगों को सबसे उनका एक इंटरेक्शन टाइप था। एक टीम राहुल गांधी थी जो कांग्रेस के लिए एक काम कर रही थी, कांग्रेस का कैसे चीजें बेहतर हो, लेकिन वो अलग। और एक बहुत बड़ा धड़ा जो है जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेताओं का है, जिसमें कुछ लोग जो G23 की जिन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी कि जो कांग्रेस के हितैषी हैं, लेकिन उनको अंदर की बातें कि क्या चल रहा है ये पता नहीं, तो एक तरीके का एक संवादहीनता टाइप थी, और उसकी की वजह से आज अगर कांग्रेस और इंडिया अलायंस जो है वो सत्ता में नहीं है, तो मेरी आकलन में उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कांग्रेस के पास एक तो बिग पिक्चर नहीं थी, दूसरे पास उनमें कोई एक बड़ा रणनीतिकार नहीं था, तीसरा उसमें आत्मविश्वास का अभाव था, और चौथी बात यह कि उसने कभी एकजुट होकर के ऐसी कोशिश नहीं करी, जैसे कि कोई ममता से कोई बात करने के लिए कोई व्यक्ति हो, खासतौर से कोई व्यक्ति नीतीश कुमार से बातचीत करने का, और ये काम सोनिया गांधी कर सकती थी, लेकिन सोनिया गांधी को ये शायद ये लगा कि वो अगर बहुत ज्यादा सक्रिय होंगी तो राहुल गांधी, वो चाहती थी कि राहुल गांधी सब काम करें और वो आगे बढ़े, और टीम राहुल गांधी जो थी वो अपने यात्रा में काफी ज्यादा उत्सुक थी, वो कांग्रेस का जनाधार बढ़ाना चाहती थी, और उसमें वो थोड़ी हद तक कामयाब भी रहे, और क्योंकि मुद्दे उन्होंने पकड़े, उन्हें जनता की चीजें पता चली, लेकिन वो पूरा जैसे एक
चीज एक सिनर्जी लेवल के ऊपर एक काम करना था, वो काम नहीं हो पाया। तो इसीलिए मोटे मोटे तौर पे इट्स अ केस ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। लेकिन कांग्रेस को श्रेय ये जरूर जाता है कि कांग्रेस ने जमीनी हकीकतों को पकड़ा। बहुत सी चीजें जो हम भाजपा का जो इतना बड़ा प्रचार प्रसार का जो माध्यम है, उसको उन्होंने उसकी एक तरीके से अनदेखी करके लोकल इश्यूज के ऊपर ही रहे। आप महाराष्ट्र में देखिए कि महाराष्ट्र में ऐसा कहा जा रहा है जो चुनाव के बाद में, कि उनको भावनात्मक तरीके का एक उनको फायदा मिला उद्धव ठाकरे साहब को, और दूसरी तरफ शरद पवार जी को जो बहुत वरिष्ठ है, लेकिन कांग्रेस कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा नहीं था। और आप देखिए चुनाव में फायदा किसको सबसे ज्यादा हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी को हुआ। मतलब सीटों की बात अगर हम करें, एक से कांग्रेस जो है वो 11 कांग्रेस के बारे बारह में देखिए कि मिलिंद देवड़ा चले गए, अशोक चव्हाण जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो चले गए, संजय निरुपम चले गए। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि न केवल कांग्रेस के पास कोई चेहरा था, लेकिन जो थोड़े बहुत भी चेहरे थे वो भी पार्टी छोड़ के चले गए चुनाव से ठीक पहले। लेकिन कांग्रेस का देखिए जमीन में कांग्रेस ने पकड़ लिया, क्योंकि उनको जो था एक जैसे वहां करीब 13-14% जो है मुस्लिम समाज का वोट है, वो एक बेस बन गया। और दलितों का भी एक बड़ी संख्या में, जैसे पिछली बार प्रकाश अंबेडकर ने जो काफी कुछ अंबेडकराइट जो एक दलित आंदोलन में उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया था, 7% वोट मिला था, लेकिन 7-8 सीटों का भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया और इस था। बार भी तीन रखे चार थे सीटों का जी उन्होंने नुकसान किया। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे बीएसपी ने वहाँ यूपी में जैसे कहा जा रहा है कि 16 सीटों पर नुकसान किया, या मतलब अंबेडकर ने 4 सीटों पर नुकसान किया, तो नुकसान अभी भी हुआ है। जी नुकसान हुआ है, लेकिन देखिए ये बातें जो कही जाती हैं, और वो मिलिंद जी मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो हम ये जो ये नुकसान की बात करते हैं, ये हर राजनीतिक दल या गठबंधन में इस तरह के नुकसान होते हैं जो चुनाव में कहा जाता है। मैं आज कहीं पढ़ रहा था, उस पर लिखा था कि 1% भाजपा को 1% का नुकसान हो गया। हमारे देश में 1% का मतलब बहुत होता है, मतलब हो सकता है वो 40-50 लाख वोट हो। तो इस तरीके की चीजें जो है कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वो जमीनी स्थिति दूसरी होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एक अपना एक सोशल बेस बनाया, उनके पास एक मराठा वोट, उनके क्योंकि शरद पवार साथ में थे तो एक गठबंधन में थे, तो मराठा वोट रहा, 44% करीब मराठा वोट मिला है इस गठबंधन को। और दलित और मुस्लिम तो तीन ये चीजें बन करके वो महाराष्ट्र में एक ताकत के रूप में उभरे हैं, और ये चीज असेंबली में भी होगी। लेकिन खुद कांग्रेस जन इसको लेके या पूरा एमवीए जो था इसको लेके बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं था, उनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। जब तो चुनाव में गए और रिजल्ट आया तब उन्हें अंदाजा हुआ कि तो स्थिति काफी बेहतर है। इसी तकरीबन कमोबेश स्थिति उत्तर प्रदेश में रही, जहां राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ने से कतरा रहे थे और कांग्रेस जन टिकट मतलब लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन वहां के ऊपर भी जो नॉन यादव ओबीसी का और दलितों का और मुसलमानों का कांग्रेस को काफी ज्यादा फायदा हुआ, और उसमें अखिलेश यादव की बहुत बड़ी एक भूमिका है। तो अखिलेश जैसे आप उत्तर प्रदेश जैसे की आप बात कर रहे हैं रशीद, तो ये बात जो कही जाती थी, मतलब मैं एक तरह से कह सकते हैं आप प्री मंडल दिनों से कह सकते हैं कि दलित भी कांग्रेस के साथ हमेशा से रहता आया था, लेकिन पिछले 30 सालों में धीरे 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 करके दलित तो भी उससे छिटकता चला गया। लेकिन इस बार जो खास करके उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र का भी जैसे आपने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यह है कि जो मायावती का डिक्लाइन हुआ या उनका वोट शेयर गया, और कांग्रेस का वोट शेयर तो इस बार मायावती से भी 1% ज़्यादा हो गया, तो क्या आपको लग रहा है कि दलित जो है वोट कांग्रेस की तरफ वापस आ रहा है? जी, और यही मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए जो संविधान को लेके और आरक्षण को लेके जो राजनीतिक चश्मे से बहुत सारी बातें करी, उसका मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस का एक कारगर मतलब एक वो रहा कैंपेन रहा कि उसमें कहीं ना कहीं दलितों को एक असुरक्षा की भावना हुई कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि 400 पार के पीछे जो है ये आरक्षण हमारा खत्म हो जाए। क्योंकि आरक्षण जैसे हम जानते हैं मिलिंद जी हर 10 साल बाद रिव्यू के लिए आता है, और 2029 में भी उसका रिव्यू होगा, तो ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। तो इस तरह की चीजें कांग्रेस ने अपनी रणनीति से आत्मविश्वास से ये सब चीजें जमा की, और इसका उसे उन्हें श्रेय मिलना चाहिए। और बहुत से जो राजनीतिक कमेंटेटर जैसे मेरे जैसे लोग हैं या बहुत और लोग भी थे, उनको इसका सही आकलन नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई कांग्रेस स्टोरी बताने को तैयार नहीं था। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है विलेज जी, एक तरफ तो भाजपा अपने खुद ही अपने प्रोपेगेंडे का शिकार हो गई, तो उसने ये माना कि जो आदमी जो जो जिसको आस्था महत्वपूर्ण है, जो जो राम मंदिर को लेकर के जिसको एक 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 खुशी मिली, एक हर्ष उत्सव का माहौल है, वो भाजपा को वोट देगा। तो तीसरी बात जो है वो हर जगह कारगर नहीं साबित हुई।
तो इस तरह से और ये तमाम समुदाय में होता है, हम लोग जानते हैं ऐसी चीज होती है भारत देश में। और ये भारत का एक राजनीति का या लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा एक चेहरा है ये बात की लोग केवल आस्था की बुनियाद के ऊपर ही मतदान नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने और कांग्रेस के बहुत से ऐसे लोग जो जो मीडिया से बातचीत करते थे, उनका आकलन यही था कि अब तो हम गए, हमारे हाथ से बाजी गई। तो ये बात बाजी जबकि नहीं गई थी, जमीन पे अच्छी लड़ाई हो रही थी, तो इस तरह से कांग्रेस ने एक तरीके से वापसी की है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं मिलिंद जी, दे लिव टू फाइट अनदर डे। अब ये बात नहीं है कि कोई कांग्रेस का बहुत अच्छा कोई स्वर्ण युग आ जाएगा, लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं हुई। लोग ने बार बार कहा, और उसमें एक कांग्रेस के रणनीतिकार भी आजकल है योगेंद्र यादव, उन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस मस्ट डाई। लेकिन ये कांग्रेस की अगर हम उसकी उपमा दें कि एक लाश की, मतलब द कॉर्प्स इज अलाइव एंड किकिंग, तो ये एक देश के लोकतंत्र के लिए एक सुखद बात है कि विपक्ष भी मजबूत है और सत्ता पक्ष तो है, वो फिर वापस सत्ता में आया है। जैसे आपने कहा, सबसे आखिर में पूछना चाहूंगा रशीद आपसे कि मतलब कांग्रेस के लिए इट विल लिव अनदर डे, तो अब ये क्या होगा? क्या कांग्रेस 5 साल इंतजार करती रहेगी सरकार बनाने के लिए, या इस बीच में कोई कोशिश करेगी? और कांग्रेस को आप 5 सालों में कहाँ देखते हैं यहाँ से? नहीं तो देखिए मिली जी, इसमें मैं एक सैद्धांतिक बात करूंगा और एक व्यवहारिक बात। सैद्धांतिक बात तो यह है कि राहुल गांधी जो इतने समय से एक तरीके से कांग्रेस के, उनको बहुत से लोग उनको पिटे हुए मोहरे की उपमा देते थे, अब वो एक कामयाब हो गए, तो उन्हें कांग्रेस का चेहरा बन के सामने आना चाहिए और उसमें कोई देर नहीं करनी। मैंने इंडिया टुडे के लिए लेख भी लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष अब कांग्रेस को विधिवत रूप से मिल सकता है, तो कांग्रेस के संसद में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो, ताकि पता चले एक शेडो कैबिनेट बनाए जो ब्रिटेन में बनती है तमाम विभागों की, ताकि वो इंडिया अलायंस का एक पूरा सेक्रेटेरिएट बने, संयोजक बने, और उसमें जो 2 लोग ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जिनका एक बड़ा श्रेय है, उसको भी, उनको भी संयोजक के रूप में बनाना चाहिए और ये पूरा का पूरा काम हो। और इसकी वजह से एक दिन की लड़ाई नहीं है, और ये तैयारी जो है 29 की हो, क्योंकि ये तमाम चीजें जो आरक्षण है या दलितों का मामला है या पिछड़ों का मामला है, ये तमाम इसमें हम बहुत उतार चढ़ाव देखेंगे। और मेरा अपना आकलन ये है कि 1.5-2 साल में, अभी तो नरेंद्र मोदी सरकार बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन हो सकता है एक पड़ाव तो तब आएगा जब महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव होंगे, और अगला जब बिहार का चुनाव होगा, तो हो सकता है वहां एक ओपनिंग निकले, एक मौका मिले, और उस मौके में जो होगा फिर देश में, हमने देखा है कि गठबंधन में बड़ी तब्दीलियां आती, बदलाव आता है, तो और राष्ट्रपति चुनाव भी है 27 में, तो तमाम ऐसे मौके हैं जहां के ऊपर कांग्रेस और इंडिया अलायंस अगर एक मजबूत और अपनी दृढ़ता से खड़ा रहे, तो वहां उसको मौका मिल सकता है, जल्दी चुनाव भी हो सकते हैं और सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, दोनों संभावनाएं मुझे जो है काफी नजर आती है। जी लेकिन उसमें कांग्रेस को जो है और राहुल गांधी को खास तौर से, ऐसा ना हो कि अभी कोई केसी वेणुगोपाल टाइप व्यक्ति जो है वो जो है नेता प्रतिपक्ष हो जाए, जैसे पिछली बार अधीर रंजन चौधरी थे जो अपना खुद चुनाव नहीं जीत पाए इस बार। तो इसलिए राहुल को जो है, राहुल गांधी मस्ट लीड फ्रॉम द फ्रंट, अगर वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बने तो कांग्रेस फिर जो है वो पीछे चली जाएगी। पर आपने कहा कि ये बनना चाहिए, लेकिन आपको लगता है बनेंगे, हाँ या ना, आपको क्या लगता है? देखिए राहुल, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अब इसमें कोई वो नहीं होगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनना जो है वो आसान काम नहीं होता, उसमें काम बहुत करना पड़ता है, और एक आपको डिसिप्लिन, मतलब आपको सुबह 9, 9:30 बजे आना पड़ेगा, एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, तमाम चीजों को आपको एक जिस तरीके से लोग दफ्तर में काम करते हैं वैसा एक तरीके का काम करना पड़ेगा, और राहुल गांधी उसके लिए मुझे लगता है अभी भी मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो ये एक समस्या है। लेकिन अभी 10 दिन का समय है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी फिर तैयार हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी दुविधा उनकी है कि वो चाहते हैं वन यार्ड में रहे, लेकिन राजनीतिक रूप से देखिए अब उत्तर प्रदेश पे एक वापसी हो गई है, और अगर वो रायबरेली से जीत गए हैं, तो अब उनका एक सेंस होता है कि 80 सीटों को प्रभावित करने के लिए उत्तर प्रदेश में रहे, 1 यार्ड क्यों जाए, 1 यार्ड में तो कोई भी चुनाव लड़के जीत जाएगा बाई इलेक्शन। तो ये सारे प्रश्न है जिसका मैं तो उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन असल तो उत्तर देने के पात्र जो है वो राहुल गांधी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रशीद इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे रशीद किदवई। इतना हम कह सकते हैं कि चुनाव के बाद राजनीति कोई ठंडी होने नहीं जा रही देश की, वो गर्म बनी रहेगी। हम क्योंकि आने वाले महीनों में हमें महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव देखने मिलेंगे, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में चुनाव होने हैं जनवरी में, और अगले साल नवंबर में अगर शेड्यूल से पहले नहीं होते तो बिहार में होने हैं। और बिहार का जैसे राशिद ने जिक्र किया, वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी अभी वहाँ सरकार में है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और उस चुनाव के बाद में जो भी परिणाम निकलेगा उसका क्या परिणाम
मतलब कुछ पड़ सकता है जो यहाँ की सरकार है उस पर। तो रशीद, इस बातचीत के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद साप्ताहिक सभा देखने के लिए। अगर आपको कोई सवाल पूछना है या आपका कोई कमेंट है तो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक बार फिर से धन्यवाद।